हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सुजुकी रिएक्शन। तो सुजुकी रिएक्शन में मेन कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन चीज़ें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देंगे सुजुकी रिएक्शन के, दूसरा चीज़ है उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थर्ड थिंग हम लोग उसका मैकेनिज्म देखेंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल वे में डिटेल में हम लोग देखने वाले सुजुकी रिएक्शन का। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि ये जो मैकेनिज्म होने वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में डीप में एक्सप्लेन होने वाला है आपको। सुजुकी रिएक्शन का एंड लास्ट वन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डेट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ सुजुकी रिएक्शन। यहाँ तक समझा? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है हम लोग का सुजुकी रिएक्शन में डेफिनेशन जो मैंने बोला आपको, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है सुजुकी रिएक्शन का? सुजुकी रिएक्शन कुछ है नहीं, ये एक टाइप का मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन है जिसके अंदर कैटलिटिक रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है। सुजुकी रिएक्शन का एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मेटल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अभी मेटल कौन सा है इसके अंदर जो मेटल यूज़ करते हैं? डेट इज़ पैलेडियम। ध्यान दो, क्या यूज़ करते हैं? पैलेडियम मेटल यूज़ करते हैं। तो पैलेडियम जो हम लोग का मेटल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर। पैलेडियम के बाद हम लोग इसके अंदर एक मेन कंपाउंड यूज़ करते हैं डेट इज़ बेस। क्या यूज़ करते हैं? बेस यूज़ करते हैं। बेस कौन सा यूज़ करेंगे? एन ए ओ एच यूज़ कर सकते हैं, के ओ एच यूज़ कर सकते हैं, के टू सी ओ थ्री यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी एक अच्छा बेस यूज़ करना है हम लोग जिसके पास ओ एच माइनस आयन हो। OH माइनस या फिर कार्बोनेट आयन अगर प्रेजेंट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग हम लोग जो इसके अंदर मेन यूज़ करेंगे दैट इज़ बोरिक एसिड और ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन। इसके अंदर हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं कपलिंग के लिए, एक तो अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं या फिर अराइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है सबसे पहले आया था 1979 में, 1979 में। नोबल लॉरिएट उनका नाम क्या था? अकीरा सुजुकी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये पब्लिश किया था साइंटिफिक जर्नल में अपना वर्क को। सुजुकी रिएक्शन को, तो सुजुकी रिएक्शन ऑर्गेनो मेटल ऑर्गेनो बोरिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है जिसके अंदर अल्काइल टू अल्काइल और अराइल अराइल और अल्काइल अराइल कपलिंग फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड? अभी डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज हो सकता है हम लोग का कैटलिस्ट। सम कैटलिस्ट चेंज हो सकते हैं बट ऑर्गेनो बोरॉन पैलेडियम एंड बेस यूज करेंगे। सम टाइम बेस का हम लोग यूज नहीं करते बट ऑर्गेनो बोरॉन एंड पैलेडियम का यूज हम लोग करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिएक्शन के अंदर हम लोग ने यूज किया है ऑर्गेनो हैलाइड कंपाउंड और ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड, ऑर्गेनो हैलाइड एंड ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड। इसके अंदर होगा क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप है आर वन ये आर टू के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, आर वन आर टू के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा एंड ये जो ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड ये निकलेगा। लेकिन उसके पहले ध्यान दो, ये जो एक्स है हेलोजन ये जाएगा हम लोग का सोडियम के साथ रिमूव होगा। किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम हैलाइड रिमूव हो गया बिकॉज हेलोजन इज मोर रिएक्टिव विथ अ मेटल, तो इसके लिए हेलोजन निकल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का अल्काइल टू अल्काइल कपलिंग हो गया, आर वन आर टू के साथ कपल हो गया। बाकी जो बोरॉन कंपाउंड है वो सॉल्ट के फॉर्म में, ऑर्गेनो बोरॉन सॉल्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इतना प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? अब एक दो रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म पे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान दो, हम लोग ने यूज़ क्या किया है? फोर ब्रोमो एसिटोफिनॉन। क्या यूज़ किया है? फोर ब्रोमो एसिटोफिनॉन और क्या यूज किया है? फिनाइल बोरिक एसिड। क्या यूज किया है? फिनाइल बोरिक एसिड। इसके अंदर होगा क्या, ये जो हम लोग का बोरॉन है लिविंग ग्रुप ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा और ये अटैच होगा कहाँ पे जाके? बेंजीन वाला जो रिंग वाला कंपाउंड है जाके इस वाले जगह पे अटैच हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये अटैच हो गया और क्या बना हम लोग का? फोर फिनाइल एसिटोफिनॉन। क्या यूज किया हम लोग ने? पैलेडियम कैटलिस्ट यूज किया। और बेस यूज़ किया के टू सी ओ थ्री, जैसा कि मैंने बोला बेस यूज़ करना है। सेकेंड दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा रिएक्शन आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इथाइलिन क्लोराइड हम लोग ने यूज़ किया है जिसके अंदर क्लोरीन लिविंग ग्रुप है। और ऑर्गेनो बोरिक कंपाउंड यूज़ किया है फिनाइल बोरिक एसिड।
तो ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकलेगा सोडियम के साथ या फिर जो भी हम लोग मेटल यूज करेंगे उसके साथ, और ये जाके ग्रुप कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे, और ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड सॉल्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। सो इसके अंदर बनेगा क्या, स्टायरीन। स्टायरीन का यूज आपको पता होगा, 12th स्टैंडर्ड में आपने पॉलीमर्स में पढ़ा है, ये पॉलीमर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टायरीन। स्टायरीन का यूज़ करते हैं हम लोग बुनना एस फॉर्म करने के लिए। मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिएक्शन। तो सुजुकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्मॉल कंपाउंड बनाने के लिए, वो एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे। सो अभी मैकेनिज्म लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह फर्स्ट मैकेनिज्म का स्टार्टिंग है, तो स्टार्ट में हम लोग जो पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करने वाले, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा जीरो। क्या रहेगा? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे तब इसका ऑक्सीडाइज करेंगे। जीरो में कोई भी कंपाउंड, कोई भी कैटलिस्ट या फिर कोई भी रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे पैलेडियम हम लोग का जीरो है तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पैलेडियम टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे। कंपाउंड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। अब इसके अंदर मेन थिंग यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ऑक्सीडेशन करने के पहले हम लोग ने इसके अंदर अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, एक्सटर्नली क्या ऐड करेंगे, अल्काइल हैलाइड। नाउ ये अल्काइल हैलाइड इसके अंदर जाके अटैच होगा, और ये जो पैलेडियम जीरो है इससे जाके क्या हो जाएगा, वो पैलेडियम टू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैलेडियम जीरो से यहाँ क्या कन्वर्ट हो गया, पैलेडियम टू में कन्वर्ट हो गया। एक चीज ध्यान देना, हमेशा कोई भी अल्काइल हैलाइड ग्रुप में अगर मेटल डालेंगे तो मेटल इन बिटवीन चला जाता है, जो ये अल्काइल हैलाइड के बीच में कौन आ जाएगा, पीडी वाला। तो ये जो आर और एक्स है, आर और एक्स है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, दोनों के पीडी आ जाएगा, पैलेडियम। विथ लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो सकता है वो। और पीडी जीरो से अभी क्या हो गया, पीडी टू में। अब ये कंपाउंड रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका, हम लोग जो बेस यूज़ किए हैं वो बेस अटैक करेगा कहाँ पे, पैलेडियम के ऊपर। जैसे पैलेडियम पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप है हेलोजन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। हेलोजन निकला मतलब वहाँ पे OH अटैच हो गया ना, हम लोग के कंपाउंड के अंदर अटैच क्या है, OH है। हेलोजन निकलेगा किसके साथ, हेलोजन किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ। तो हेलोजन निकलेगा हम लोग का सोडियम के साथ, निकल जाएगा NaX के फॉर्म में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग का जब निकला ये कंपाउंड, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही निकला OH हम लोग का अटैच हो गया कंपाउंड के साथ। OH अटैच हो गया ग्रुप के साथ। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसके अंदर अब ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड आएगा हम लोग का फ्रेम में। ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड आएगा तो ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जान दो। ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड में पहले हम लोग बेस डालेंगे, तो बेस अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैक किया। तो क्या होगा, ये हम लोग का सॉल्ट बनाएगा एक तरह का, प्लस एंड माइनस सॉल्ट फॉर्म करेगा। अब इसके अंदर होगा क्या, अब इसके अंदर होगा क्या, ये जो हम लोग का कंपाउंड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो OH के पास, ये अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर, और ये जो अल्काइल ग्रुप है अटैच हो जाएगा पैलेडियम के साथ। मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया आपकी तरफ, पैलेडियम के साथ अटैच हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीडी के साथ दोनों तरफ क्या अटैच हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। इतना ध्यान दो, पीडी के साथ दोनों तरफ क्या अटैच हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप। अभी मेरा पीडी टू में है, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको रिड्यूस करेंगे तो वापस मेरा स्टेबल पीडी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब इसके अंदर जो यूज हुआ था वो वापस हम लोग को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग ने ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड के सॉल्ट के फॉर्म में निकाल दिया और ये हम लोग का कंपाउंड बन गया। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप आर के साथ चला जाएगा और ये पीडी यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पीडी जो कैटलिस्ट हम लोग का था वो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इसके अंदर करेंगे क्या, जिसके वजह से होगा निकलेगा ये, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, जिसके वजह से निकलेगा और हम लोग का क्या बन जाएगा, आर वन और आर टू, और वापस हम लोग का क्या हो जाएगा, पीडी कैटलिस्ट मेरे को वापस मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यूस बहुत सारा हम लोग ये पीडी कैटलिस्ट एक ही से हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप जो कपलिंग होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ईजिली मिल जाएगा। मेन थिंग ध्यान दो वापस एक बार इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म पे, सबसे पहले पीडी जीरो था, उसको ऑक्सीडाइज किया, पीडी टू में कन्वर्ट हुआ, अल्काइल हैलाइड के बीच में पीडी और आरएक्स आ गया। बेस अटैक किया पीडी के ऊपर, एक्स निकल जाएगा सोडियम के साथ, एनएक्स निकल गया। अब ये जो हम लोग का कंपाउंड बना, इसके अंदर ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड आएगा, तो बेस ने बोरॉन के ऊपर अटैक किया, सॉल्ट बनाया। अब क्या करेगा, ये हम लोग का जो OH है ये अटैक करेगा बोरॉन पे, अल्काइल ग्रुप के साथ ये पीडी अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा कंपाउंड।
अब इसके अंदर होगा क्या, लास्ट स्टेप में अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन से पीडी को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, रिडक्शन हो रहा है, मतलब पीडी टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीडी जीरो में, स्टार्टिंग में कंपाउंड मिल जाएगा। नाउ इसका लास्ट में एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्यों होता है, इसका एप्लीकेशन होता है सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। ओके, तो इसके एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं क्या, इसका अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल बोरॉन्स, बोरिक एसिड, बायफिनाइल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए इसके अंदर हम लोग सिंथेसिस क्या कर सकते हैं, स्टायरीन बना सकते हैं, एल्कीन कंपाउंड बना सकते हैं, बायफिनाइल्स फॉर्म कर सकते हैं। ये जो है हम लोग का बहुत ही इजीली मिल जाता है और बहुत ही लेस कॉस्ट लगता है इसका, तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ये कंपाउंड है। और इसका यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्मॉल स्मॉल फाइन केमिकल्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये था हम लोग का कंप्लीट कंप्लीट सुजुकी रिएक्शन जो हम लोग ने किया विथ मैकेनिज्म, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये हम लोग का कंप्लीट सुजुकी रिएक्शन था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेम रिएक्शन के सारे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच।